ये जो पुष्पा, ये जो बाकी है ना, ये तो क्या वो डुप्लीकेट बनाते बनी है, जो ओरिजिनल स्टोरी है मुंबई की मेन कमाटीपुरा की पकड़ के रखा, और आलिया भट्ट शी विल गेट द नेशनल अवार्ड। क्या बात, बोलते हैं कि जिनके पास पूरा आसमान होता है उन्हें छोटे बिल से कुछ नहीं होता, और अगर शर्ट फाड़ देते अजय देवगन तो उनका नाम ही काफी है, देव भगवान के रूप में आते अजय देवगन तो क्या एक्टिंग थी पिक्चर की। अच्छी पिक्चर बनाएंगे। आलिया भट्ट का काम अच्छा, बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम किया। अजय देवगन सुपरस्टार। अरे कैसी लगी भाई? बहुत हार्ड, बहुत बॉलीवुड इज बैक। संजय लीला बंसाली, आलिया भट्ट, अजय देवगन एंड दैट राज, विजय राज, द बॉलीवुड आर बैक नाउ अगेन। पुष्पा इज अ पास नाउ, द बॉलीवुड हैज कम। आलिया भट्ट एंड शो द परफॉर्मेंस, वेरी गुड क्लाइमेक्स, सॉन्ग्स आर गुड, बैकग्राउंड म्यूजिक आर गुड, सॉन्ग्स आर ओके, नॉट बैड, नॉट गुड, इट्स ओके। एंड अजय देवगन डायलॉग्स आर गुड, द मूवी डायलॉग्स आर गुड, इंटरवल द पिक्चर ऐसे पकड़ के रख रही है। Okay. क्या मैसेज क्या दिया है इस बार? ये मैसेज कि हमारे मुंबई में कमाटीपुरा है, जैसे रियलिस्टिक दिखाया है। खाटा भाई व्हाट द नेम ऑफ दैट गंगूबाई घाटियावाड़ी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्टार्टिंग बहुत अच्छा रखा है। जैसे एक लड़की का मेकअप कुछ दिखाया है, वो बहुत अच्छा किया, और सब ने एक्टिंग अच्छा किया है। लेकिन एक आपको बोनस मिल जाता है, वो है विजय राज, यस जन एब्सोल्यूट गुड चॉप, ट्रांसजेंडर का। हाँ, उन्होंने मूवी को एकदम से पकड़ के रखा, और आलिया भट्ट शी विल गेट द नेशनल अवार्ड। क्या बात, शी हैज डन अ परफेक्ट जॉब, टेरिफिक परफॉर्मेंस, टेरिफिक परफॉर्मेंस, दिस कम फ्रॉम द ब्लड ऑफ बट्स, महेश भट्ट, पूजा भट्ट एंड आलिया भट्ट, दिस आर द बट ग्रुप्स, दे मूव, दे शो द मूवी सो रियलिस्टिक। अजय देवगन का परफॉर्मेंस कैसा था? अजय देवगन, करीम लाला इज आउटस्टैंडिंग। जब वो थिएटर में आते तो थिएटर में वाइब्रेशन हो जाता है, मतलब वो ऐसे कलाकार है कि वो जब खड़े रहते हैं तो पिक्चर को ही घुमा देते हैं, ऐसा लगता है कि पिक्चर उनके ऊपर ही है। मतलब वो एंट्री जब भी करते हैं और बोलते हैं मुझे घर बिगाड़ने में नहीं बसाने में आते, तो उनका डायलॉग तो आउट ऑफ फाइव, आउट ऑफ फाइव गो फोर, फोर या पहिला शो बघितला, काम कसं होतं त्यांचं? एक नंबर। अजय देवगन ते आपलं हाजी मस्तांचं काम केलं ना, मस्त वाटलं एकदम चांगलं। तुम्हाला कसं वाटलं? मला पण मस्त वाटलं, चांगलं। आणि बाकी काय आवडलं पिक्चर मध्ये? बाकी म्हणजे असं आवडलं की चांगलं तिनं भाषण केलं, चांगलं मुलींना शिकवलं, चांगली हिंमत दिली, काय ती मला आवडलं। तुम्हाला काय आवडलं? आणि ती होती गुजरात साईडची, तर काटवाडी। मला ते आलिया भट्टचं काम आहे ना, एकदम मस्त वाटलं। ती गुजरातहून आली, कसं झालं तिच्या सांगती, काय कहाणी होती, ते सगळं, मतलब आलिया भट्टनं एक नंबर काम केलं, चांगलं वाटलं। लोकांनी बघायला पाहिजे, बघायला पाहिजे। मूवी बहुत अच्छी है, वन टाइम वॉच है, अच्छी है बहुत। आलिया भट्ट का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनके करियर के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है, और उन्होंने पूरा जो रोल है पूरा घोल के पी लिया है उन्होंने। और संजय लीला भंसाली की जो डायरेक्शन है, जो उनका सिनेमाटोग्राफी है, माइंड ब्लोविंग है। मतलब संजय लीला भंसाली है तो मतलब मूवी अच्छी होगी बहुत। विजय राज, अजय देवगन, इनका बहुत कम रोल है, आई थिंक उनका रोल ज़्यादा ही रहना चाहिए था, लेकिन कितने मिनट पे है स्क्रीन पर? एक्चुअली अजय देवगन तीन या चार बार आया, विजय राज सिर्फ दो बार आए, लेकिन जो दोनों दो बार, तीन तीन बार आए, पूरी पिक्चर में जान भर देते दोनों। कहानी में दम है कि नहीं? कहानी में बहुत ज़्यादा दम है। क्या मैसेज क्या दिया संजय लीला भंसाली ने? संजय लीला भंसाली की जो सेक्स वर्कर्स है उन लोग की भी एक लाइफ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पड़े बढ़ते पे। वही, और बाकी जो गंगूबाई थी गाठियावाड़ी, उन्होंने जो भी प्रधानमंत्री से मिला वो सब बताया है। अच्छा, वो सब बताया। और वो भी आप फैमिली के साथ पूरी पिक्चर देख सकते हैं, ऐसा पिक्चर में कुछ नहीं है, पूरी फैमिली के साथ वन टाइम वॉच देख सकते हैं। पिक्चर 2 घंटे 40 मिनट की है, ओवरडोज तो नहीं लगा आलिया का? थोड़ा लास्ट में थोड़ा लगा, लेकिन वो एज यूजल मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो हर मूवी का अच्छा ही होना चाहिए, और संजय लीला भंसाली की मूवी तो क्लाइमैक्स अच्छा ही रहता है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन सेकेंड हाफ जो डायलॉग सेकेंड हाफ में, और कौन सा डायलॉग अच्छा लगा? मुझे अजय देवगन का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा, जिसमें वो बोलते हैं कि जिनके पास पूरा आसमान होता है उन्हें छोटे बिल से कुछ नहीं होता, और अगर शर्ट फाड़ देते वन ऑफ द बेस्ट सीन लगा मुझे। रिकमेंड करोगे पब्लिक को? 100% रिकमेंडेड करूंगा। आपने देखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, थैंक यू फॉर ऑनेस्टी। आलिया नाम सुन के बच्ची समझे क्या? आलिया इज फायर, मतलब
मस्त मस्त लाला फुल रोल है भाई। अच्छे सर अच्छे। आलिया भट्ट का काम सुपर हिट है और ये स्टोरी ओरिजिनल है। कमेटी पर मैंने खुद देखी, उसकी फोटो देखी खुद। अजय देवगन का, अजय देवगन तो उनका नाम ही काफी है, देव भगवान के रूप में आते हैं अजय देवगन तो। की एक्टिंग की जबरदस्त एक्टिंग की पटना की, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की। हाँ सर, दमदार पिक्चर नहीं है, एकदम सुपर हिट है। सुपर हिट ये जो पुष्पा, ये जो बाकी है ना, ये तो क्या डुप्लीकेट बनाते नहीं है। जो ओरिजिनल स्टोरी है मुंबई की, मेन कमाटीपुरा की, इसको पब्लिक ने, लेडीज ने, सबको देखने को होना। क्या अत्याचार हुए लड़की पे, लड़की कैसी घर गई, ये गंगूबाई थी खाली। ओरिजिनल में हकीकत कहानी है कमाटोपुर की। कैसे लगी पिक्चर आपको? बहुत मस्त, बहुत मस्त। आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत मस्त, बहुत मस्त। बहुत अच्छी है। कैसी है फिल्म? कैसी है पिक्चर? आलिया भट्ट अच्छी अच्छी है, एक नंबर डैम गुड। ऐसी पिक्चर कैसी है? बहुत भट्ट मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग किया है। हाँ, और फिल्म डायरेक्टर संजीला भंसाली साहब ने बहुत डायरेक्शन भी किया है और फिल्म की रेटिंग बहुत अच्छी है। और हालांकि कुछ सीन में हैं विजय राज सर के, चार पांच सीन में तो छा गए हैं। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी थी गंगूबाई, बहुत मजा आया, इतना मजा आया। अच्छी है और लग रहा है कि इधर ही बैठू, घर पे नहीं जाओ। अरे ठीक है सर, थोड़ा फास्ट है, थोड़ा स्लो है, रेशियो अप डाउन है, लास्ट में स्लो कर दिया पिक्चर लोग ने। ओके बस ऐसा कुछ नहीं। बाकी आलिया भट्ट का काम, आलिया भट्ट का रोल अच्छा है सर। अजय देवगन बेस्ट 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 सीन, उसने तो पिक्चर खाली है सर। पिक्चर अच्छा अच्छी। जब इसका ट्रेलर आया था ना तो लोगों का मानो क्या रिएक्शन था, कह रहे यार ये बच्ची दिख रही है मूवी के अंदर, क्या उखाड़े गई है। लेकिन आपको ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि आप जाओ 2 घंटा 37 मिनट की ये मूवी देखो, तब समझ में आएगा कि आलिया ने क्या उखाड़ा। मतलब कि यह बंदी के पूरी करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि दिल का बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट उनकी जितनी भी पिछली फिल्में उन्होंने जो किया है ना, रियल बता रहा हूँ, मेरे को उतनी खास नहीं लगी उनकी फिल्म। लेकिन बंदी में जो परफॉर्मेंस दिया, मतलब संजय लीला जो वो है ना भंसाली जो डायरेक्टर हैं, उनको पता है कि ये करेक्टर किनके ऊपर शूट करेगा। आलिया भट्ट बेस्ट चूज थे और उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दिया, सुपर। आपने कहा कि पिक्चर 2 घंटे 40 मिनट की है, आलिया का ओवरडोज तो नहीं लगा ज़्यादा? नहीं नहीं, आलिया भट्ट का एक एक डायलॉग, अरे यार, मतलब कि मैं मल्टीप्लेक्स में देखा मूवी को, मेरे को लगा ना कि तालियां और सीढ़ियाँ बजाऊं, लेकिन मजबूर था वहाँ पे, फिर भी मैं रोक नहीं पाया अपने आप को उनके परफॉर्मेंस पे, सीढ़ियाँ ताली बजाऊं। डायलॉग अच्छा लगा आलिया का। आलिया भट्ट का एक डायलॉग है, वो थोड़ा ध्यान में नहीं है, लेकिन उनका हर एक डायलॉग बहुत अच्छे हैं। मेरे को सिर्फ ध्यान में अजय देवगन, बोले तो करीम लाला जो उनका डायलॉग है ना, कि अपने लाला को घर बसना पसंद है, उजड़ना नहीं, सुपर डायलॉग है। और सोने पे सुहागा अजय देवगन का कैरेक्टर इस मूवी में सुपर है। संजय लीला भंसाली एक स्टोरी टेलर कहे जाते जी, इस फिल्म के थ्रू क्या मैसेज दिए? देखिए गंगूबाई, ये स्टोरी है अपना कमाटीपुरा का, वहाँ पे एक गंगूबाई नाम की लेडी थी जो कि वो 40,000 औरतों के लिए लड़ी थी, इंसाफ दिलाई थी उन्होंने अपने हक के लिए, वो सब दिखाया मूवी के अंदर। इमोशनल अच्छी है मूवी में, डायलॉग्स अच्छी हैं, डायरेक्शन बहुत काफ़ी अच्छे हैं। और इनका जो अपना सेट हाँ, जो सेट तैयार किया उन्होंने, मतलब कि उन्होंने फील कराया 19 के बॉम्बे जैसे, लग रहा कि हाँ वो बॉम्बे है 19 वाला, सुपर है। रियल फुटेज दिखाया कामाडीपुरा का? नहीं नहीं, मैं सब मेरे को तो लगा नहीं कि वो अभी अभी का कुछ सीन है, लेकिन उन्होंने जो सेट तैयार किया ना, जो 90s में जो लोग वो जगह पर गए होंगे, वो लोगों को फील दिलाया होगा कि ये सेम टू सेम बनाया सेट। ओके अच्छी लगी है पिक्चर, सुपर है। क्या करोगे पब्लिक को? पब्लिक को बोलूंगा कि ये बॉलीवुड से आपको जो एक्सपेक्ट था कि अच्छी फिल्में नहीं आ रही है बॉलीवुड की बहुत सालों से, मतलब 2-3 सालों से, ये एक बॉलीवुड के लिए कम बैक है, बहुत बड़ा कम बैक, कम बैक, सुपर मूवी है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 4 स्टार दूंगा।